नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बगल वाला जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। आज मैं आप लोगों को कॉपर निकल वाला 10 ग्राम का एक रुपया सिक्के दिखाने वाला हूँ और उसका इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों एक रुपया वाला जो डाबू कॉइन होता है, वो डाबू कॉइन पहले मिंटेज हुआ था 1962 में, उसका बाद 1970 में, उसका बाद 1975 से लेकर 1982 तक ये सिक्के आरबीआई ने मिंटेज किया था और मार्केट में जेनरल सर्कुलेशन भी हुआ था। 1962 का सिक्के पहले मिंटेज हुआ, ये मैंने बताया आप लोगों को। ये सिक्के की वेट है 10 ग्राम और 28 मिलीमीटर सर्कुलर कॉइन और सिक्योरिटी एज वाला सिक्के है। तो दोस्तों 1962 वाला सिक्के कलकत्ता मिंट से मिंटेज हुआ था और ये सिक्के ज्यादातर मिंटेज नहीं हुआ, इसीलिए ये सिक्के मार्केट में पब्लिक के हाथ में ज्यादातर नहीं आया। और अगर ये सिक्के पब्लिक के हाथ में आ जाता तो अभी इतना दाम में मार्केट में सेल नहीं होता। ये बहुत हाई प्राइस का सिक्के है और ये सिक्के स्क्वायर सिक्के है, क्योंकि इंडिया में पहले बार जो डब्बू सिक्के मिंटेज हुआ था वो सिक्के है 1962 का पहला वाला सिक्के, उसका बाद दूसरा जो सिक्के है डब्बू सिक्के वो मिंटेज हुआ था। कॉइनेज किताब में इसका जो प्राइस दिया है वो प्राइस मैं बताएगा उसका पहले एक बात बता दूं, जो कॉइनेज किताब में जो प्राइस है उस प्राइस में अभी मार्केट में ए सिक्के सेल नहीं होता है, क्योंकि ए सिक्के इसका जो डिफरेंट टाइप का लास्टर होता है, इसका जो ग्रेडिंग है उसका ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करता है, और वो प्राइस कॉइनेज किताब का नहीं है, वो प्राइस है डीलर और सेलर लोग का मोवली प्राइस। 1962 का निकेल वाला 10 ग्राम सिक्के जो है उसका जो प्राइस है वो प्राइस मैंने अभी बता रहा हूँ। वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कॉइन की प्राइस है 50 रुपया, 75 रुपया और 100 रुपया पर पीस कॉइन का। तो दोस्तों यूएनसी कॉइन का प्राइस 100 रुपया यहाँ पर बताया है, लेकिन अभी ए बी यूएनसी और यूएनसी कॉइन होगा तो मिनिमम 120 से 150 रुपया और लास्टर बहुत अच्छा होने से 200 रुपया में भी मार्केट में सेल होता है एक सिक्के। तो ए सिक्के अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ए सिक्के मार्केट में सेल कर सकता है। जो डीलर जो सेलर ए सिक्के आप लोगों से खरीदेगा वो किताब में जो प्राइस है वो प्राइस आप लोगों को देने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग आप लोगों से खरीद के मार्केट में सेल करेगा। इसीलिए अगर ए सिक्के फाइन कंडीशन हो, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन हो, जैसे भी हो, ए सिक्के मार्केट में बिकने वाला है। ए सिक्के केजी दाम में बिकने वाला सिक्के नहीं है, मिनिमम आपको 50 रुपीज मिलेगा, ये तो एकदम सही बात है। और ए सिक्के अगर आप लोग का पास है तो इसको रखिए और ए सिक्के जहाँ पर सेल करने जाएगा थोड़ा दौर दाम करके ए सिक्के सेल कीजिए, थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।